हेलो गाइस। सो आज हम लोग एक नई चीज बनाने वाले हैं। जैसे कि हम लोग बहुत सारी जगह देखे, हम लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं, हम खुद का पोर्टफोलियो बनाते हैं और हम उसको एक वेबसाइट की तरह उस वे में बनाते हैं, जहाँ पे हमारा रहता है हेडर पार्ट रहता है, उसके बाद हम लोग हमारी इंफॉर्मेशन ऐड करते सब कुछ। तो उसी टाइप में हम लोग एक नए तरीके से बनाएंगे। जैसे कि आपने यूट्यूब का होम पेज तो देखा ही होगा, ओके? तो होम पेज के हिसाब से हम लोग हमारी पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं। देख सकते हो मेरे स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे लोगो है जो यूट्यूब का रहता है, यहाँ पे सर्च बार है, माइक का बटन है और यहाँ पे स्मॉल स्मॉल आइकॉन है। उसके बाद लेफ्ट साइड पे मैंने नेविगेशन बार लगाया, जो साइड बार बोलते हैं हम लोग। तो उसके अंदर हमने होम डाला है, अबाउट डाला है, सर्विसेज डाला है, जो हमारी प्रोजेक्ट्स रहेंगे वो प्रोजेक्ट जैसे कि ब्लॉग्स, उसके अंदर उसके बाद हम लोग स्किल्स ऐड करें, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे प्रॉपर टाइटल दिया है, जो कि मेरे बारे में वहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद मेरी जर्नी के बारे में, देन आफ्टर दैट व्हाट आई सर्विसेज प्रोवाइड, वो सर्विसेज ऐड किए। और यहाँ पे स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट है जो कि हमने बस उसका टाइटल सेम रखा है। आपके हिसाब से आप उसको अपडेट कर सकते हो प्रॉपर तरीके से, जो आपको इमेजेस चाहिए, जो आपको लोगो चाहिए। आप यहाँ पे इमेज की जगह आप अपनी वीडियो भी डाल सकते हैं, जैसे कि होर करने के बाद वीडियो प्ले हो तो आप देख सकते हो। मैंने स्मॉल छोटा सा एनिमेशन लगा है जो कि यूट्यूब पे अभी प्रोवाइड नहीं है, बट मेरे साइड से मैंने उसको ऐड किया है। ओके, सो अगर गाइस आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी होगी, मतलब अभी स्टार्ट करने से पहले आपको बोल देता हूँ, मैं अभी इसको एडवांस लेवल पे भी ले जाने वाला हूँ। अगर आपका सपोर्ट मुझे, ऐसे आपके फीडबैक्स, आपके कमेंट्स मुझे आते रहेंगे, अगर आप अगर मेरे कमेंट्स में आप मुझे बोलते हो कि नेक्स्ट पार्ट लाओ इसका, नेक्स्ट पार्ट में हम सिंपल क्या बनाने वाले हैं, हम इस पे क्लिक करने के बाद जो फुल इंफॉर्मेशन हम लोग हमारे यूट्यूब पे चैनल के देखते हैं, जहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारा प्रॉपर एक कवर रहता है यूट्यूब का, उसके बाद राइट साइड पे सब इंफॉर्मेशन रहती है जो कि रिलेटेड वीडियोस रहते हैं और बॉटम में उसका डिस्क्रिप्शन रहता है। उसी टाइम में हम उसी वे में हम लोग हमारा नेक्स्ट स्टेज भी बनाएंगे, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो सर्विस सब जो लिंक्स है वो हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। सो मैं, और स्टार्ट करने से पहले गाइस, जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज मेरे चैनल पे लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल्स। ये मेरा चैनल है वेबेयर, आप जल्दी से यहाँ पे सब्सक्राइब करो। अभी इनकॉग्निटो मोड में इसलिए यहाँ पे मुझे वो दिखा रहा है। ओके, सो आप देख सकते हो प्रॉपर मैंने यहाँ पे अब फ्लटर के मोबाइल रिलेटेड भी मैं यहाँ पे वीडियोस डालता हूँ और अपने वेब के लिए भी डालता हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो मैंने तो नॉर्मली सिंपल एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, जैसे कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट का नेम है, उसके अंदर सीएसएस है, सीएसएस के अंदर हमने कुछ नहीं ऐड किया, बस एक फॉन्ट स्टाइल है जो हम लोगों ने इम्पोर्ट किया है रोबोट वाला। इसकी लिंक भी मैं आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करा लूंगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे इमेजेस डाले स्मॉल, जो जो हमें इमेजेस रिक्वायर है, उसके बाद एक इंडेक्स फाइल है जिसके अंदर मैंने सिर्फ एक टेम्पलेट बनाया, सिंपल टेम्पलेट जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हेडर वगैरह और बॉडी के अंदर कुछ नहीं, बस मैंने लिंक स्टाइल ऐड किया है। और उसके बाद यहाँ पे गूगल जो मटेरियल आइकॉन से वो हम लोग यूज करेंगे गूगल के लिए। देन हम लोग यहाँ पे चलते हैं, देख सकते हो आप हमारे पास क्या एक हेडर है, हेडर के बाद हमने साइड बार है, साइड बार के अंदर हम लोग एक कंटेन है, तो मैंने यहाँ पे लाइव सर्वर पे उसको रन कर लिया, तो हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ओके, देन हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें हेडर डिफाइन करना है। हेडर के लिए क्या करेंगे, हम लोग सिंपल एक हेडर क्लास जो रहता है हमारा सेक्शन उसको यूज करेंगे, और इसके अंदर हम लोग एक क्लास प्रोवाइड करेंगे, क्लास जिसका नाम रहेगा प्रॉपर एक हेडर। ओके, जस्ट वेट अ मिनट, मेरी वॉइस आपको आ रही है? ओके, नो प्रॉब्लम। सो हेडर के बाद चलते हैं, मैं उसके बाद एक क्लास बनाता हूँ जो कि रहेगा लोगो, और एक लेप क्लास रहेगा लेप, सॉरी डॉट लेप। ओके, हमने दो क्लास बना लिए, लोगो और लेप। इसके अंदर क्या करूंगा, मैं एक आइकॉन डिफाइन करूंगा। आइकॉन्स के लिए सिंपल क्या करते हैं, हम लोग आई टैग यूज करते हैं ज्यादा करके। उसके बाद एक आईडी पास करेंगे, उसका आईडी क्या रहेगी, मेनू। उसके बाद हम उसको क्लास प्रोवाइड करेंगे, क्लास का नाम क्या रखेंगे हम लोग, मटेरियल आइकॉन, मटेरियल आइकॉन्स। और कौन सा आइकॉन चाहिए हमें, हमें चाहिए मेनूज का, तो हम लोग मेनूज के लिए मेनूज नेम ऐड कर देंगे सिंपल। और उसके बाद हम लोग इमेज सोर्स, और इस इमेज सोर्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमारी इमेज पास कर देंगे जो कि रहेगी हमारी इमेज वाइटी का जो लोगो है उसको हम लोग ऐड कर देंगे। और सिंपल इसका वेट हम लोग डिपेंड कर देंगे कितना, 75%। ओके, अभी तक सिर्फ हमने इतना ऐड किया है, आप देख सकते हो ये आइकॉन आ गया है, यहाँ पे यूट्यूब का सेक्शन भी आ गया। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारा जो सर्च बार है उसके लिए भी हम लोग हमारा एचटीएमएल का कोड ऐड कर लेते हैं। तो सर्च बार के लिए सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक ड्यू लिखूंगा जो कि रहेगा सर्च, और एक क्लास रहेगा सेंटर।
ओके, दो क्लास हमने ऐड किए, उसके बाद हम लोग एक फ्रॉम फ्रॉम टू टैग है, फॉर्म, उस टैग का हम लोग यूज करेंगे। इसके अंदर इन फ्यूचर हम लोग जब आगे जाएंगे उसके बाद हम लोग इस पे भी काम करेंगे। तो सिंपल एक इनपुट टैग लेता हूँ मैं, ओके, इस इनपुट टैग के अंदर टेक्स है, तो मैंने प्लेस होल्डर दे देता हूँ मैं, प्लेस होल्डर, और इसके अंदर मैं सिंपल है मेरा नवम्बर, माइक, ऐसे नॉर्मल हम लोग हमारा नेम ऐड कर देते हैं। ओके, देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बटन डिफाइन करेंगे, बटन, इस बटन के अंदर हम लोग एक आइकॉन पास करेंगे। इस आइकॉन के अंदर कौन सा आइकॉन रहेगा, सर्च आइकॉन रहेगा, सर्च आइकॉन। ओके, और सर्च आइकॉन के लिए हम लोग कौन से क्लास यूज करेंगे, क्लास का नाम कौन सा रहेगा, हमारा मटेरियल आइकॉन जो हम लोग हमें डिफाइन करना है। ओके, आइकॉन, उसके बाद हमने ये भी चीज ऐड कर ली, आप देख सकते हो सर्च आइकॉन हो गया। देन आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक आई टैग यूज करेंगे। ओके, क्यों, क्योंकि हमें एक माइक का भी आइकॉन चाहिए, आप देख सकते हो मेरे यहाँ पे एक माइक का आइकॉन चाहिए उसके लिए। ओके, तो माइक का आइकॉन के लिए हमने माइक नेम तो क्लास नेम डाल दिया जो कि हमें चाहिए, और हम यहाँ पे मटेरियल आइकॉन हम लोग ऐड कर देंगे, और उसके बाद एक क्लास रहेगा माइक करके जिसके अंदर हम लोग हमारी स्मॉल थोड़ी स्टाइलिंग ऐड करेंगे। ओके, दो चीजें, तीन चीजें हो गई हमारी। अब लास्ट लास्ट हमारा क्या था, हमारे जो थे हम लोग यहाँ पे आइकॉन्स प्रोवाइड करेंगे, ये देख सकते हो राइट साइड के अंदर। उसके लिए मैं सिंपल मेरे कोड के अंदर जाता हूँ, फॉर्म टैग के बाद मैं क्या करूंगा, सिंपल जो मेरा सर्च डिव है उसके बाद हम लोग एक फिर से एक डिव बनाएंगे जिसका क्लास रहेगा आइकॉन्स और राइट साइड के अंदर। ओके, इसके अंदर हम सिंपल क्या करेंगे, एक एंकर टैग पास करेंगे, आई जो सॉरी एंकर ने आई टैग, उसके अंदर हम लोग मटेरियल आइकॉन्स करके एक क्लास प्रोवाइड कर देंगे। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके लिए जो जो मुझे आइकॉन चाहिए उसके लिए हम लोग ऐप के लिए भी चाहिए, नोटिफिकेशन के लिए चाहिए था, और अकाउंट सर्कल के लिए भी चाहिए। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वीडियो कैम करके क्लास है जो कि हम लोग मटेरियल आइकॉन हमें प्रोवाइड करता है एक ऐप से। देन और उसके बाद हमारा नेक्स्ट रहेगा नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन, सॉरी सॉरी सॉरी, उसके बाद रहेगा नोटिफिकेशन। ओके, नोटिफिकेशन भी ऐड कर दिया, और लास्ट वन हमारा रहेगा अकाउंट, अकाउंट सर्कल। ओके, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग और एक क्लास प्रोवाइड करेंगे क्योंकि हमें प्रॉपरली उसको डिस्प्ले करवाना है, डिस्प्ले दिस करके। ओके, अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ, आपको देख सकते हो आइकॉन्स आ गए हमारे आइकॉन्स, नोटिफिकेशन का आइकॉन ने हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे यस लगाना भूल गया था मैं, अभी देख सकते हो नोटिफिकेशन आइकॉन, सब आइकॉन्स आ चुके हैं हमारे पास। ओके, हमारी हेडर तो हो गया, बट हमें तो इसकी तरह स्टाइलिंग देना पड़ेगा। उसके लिए क्या करूंगा मैं, सबसे पहले मेरे सीएसएस पे आऊंगा, सीएसएस के अंदर हम लोग उसकी स्टाइलिंग ऐड करेंगे। उसके लिए सबसे पहले क्या करूंगा, मैंने एक फॉन्ट था वो तो यूज कर लिया, बट हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट जो रहेगा एक डिफॉल्ट स्टाइलिंग उसके हम लोग सेट कर लेते हैं जो कि रहेगी मार्जिन 0। ओके, और पैडिंग भी जो रहेगी उसको भी 0 डिपेंड करेंगे। देन आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स साइजिंग कर देंगे उसके लिए बॉर्डर बॉक्स। ओके, ये प्रॉपर एक पूरा कंटेंट टच हो जाता है जहाँ पे पैडिंग वगैरह कुछ नहीं देता, वो डिपोल लेता है। उसके बाद बॉडी, बॉडी के अंदर हम लोग सिंपल क्या करेंगे, हम लोग फॉन्ट फैमिली यूज करेंगे, कौन सी यूज करनी है हमें, रोबस्ट यूज करना है, रोबोटो। ओके, और उसके बाद कौन सा रहता है, वो सेंसर। ये हो गया सिंपल, इतनी सी चीज करनी थी हमें क्योंकि जो हमारा फॉन्ट था वो यूज हो गया। अभी सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग हेडर के लिए स्टाइलिंग देना है, तो हेडर क्लास। ओके, इस क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे ताकि हमें प्रॉपरली अलाइन हो जाए सब चीजें। ओके, डिस्प्ले फ्लेक्स करते देख सकते हो एक यहाँ पे आ गया एक लोगो और सब अलाइन हो गए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट जो रहेगा उसका स्पेस बिटवीन ऐड करेंगे ताकि सबके अंदर स्पेस दे दे थोड़ा लेफ्ट से भी और राइट से भी। ओके, हो गया। उसके बाद दो अलाइनमेंट आइटम है उसको सेंटर करेंगे ताकि सब चीजें जो रहेगी, अभी बॉटम नीचे दिख रही थी अब सब सेंटर में आ जाएगी। ओके, देन आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, अलाइनमेंट आइटम, अलाइनमेंट आइटम जो हमने सॉरी सेट टू कर दिया था, अलाइनमेंट आइटम सेंटर के अंदर हम लोग उसको हाइट प्रोवाइड करेंगे कितना, 60 पिक्सल। ओके, और पैडिंग प्रोवाइड करेंगे हम लोग उसको 50 पिक्सल। ओके, 60 और 50 पिक्सल प्रोवाइड करने के बाद वो लोग उसको हम लोग इस टाइप में हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले अभी क्या करूँगा मैं, यहाँ पे मेरा जो इंडेक्स था इसके अंदर मेरे को एक क्लास देना था जो कि मैंने हेडर तो लगा, लोगो लेप ले लिया था, मेनू भी ऐड कर लिया था, उसके बाद सर्च आइटम भी था मेरा। ओके, सर्च आइकॉन, आइकॉन राइट, ये हमने तो ऐड कर लिया उसको इस तरह से।
हेडर आइकॉन ऐड हो गया मेरा, जस्ट वन सेकंड, हेडर क्लास लिया था मैंने, हेडर क्लास अप्लाई नहीं हो गया। स्टाइल के अंदर हम लोग जाएंगे, हेडर तो अप्लाई हुआ, ओके स्वेट, हेडर क्लास डिस्प्ले फ्लेक्स के हमने उसको, डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद हम लोग उसको जस्टिफाई करेंगे, ओके। सो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जो था, हम लोग पहले इसके जो मेन टैग है उसका, उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, जो कि हमें मेन के लिए चाहिए था। यहाँ पे मैं रखूँगा एक मेन टैग लूँगा, इस मेन टैग के अंदर बहुत सारी चीज़ें रहेगी, जो कि मेरा एक रहेगा ड्यू साइड बार का, साइड बार, ओके। और सेकंड ड्यू मेरा रहेगा, उसको हम लोग कह सकते हैं जो कंटेन रहेगा उसको कंटेन ऐड करेंगे, डॉट कंटेन, ओके। दो चीजें हमारी ऐड होने वाली है इसके अंदर, ओके। सो मैं इसके लिए भी स्टाइलिंग ऐड करता, तो सबसे पहले तभी ये लुक जो हमारा प्रॉपर आएगा। तो मैं काम करता हूँ स्टाइलिंग, अरे क्या हो गया, वो भी कैसे ओपन होगा, ओके। सो उसके हाइट डिपेंड कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले जो मेरा मेन है, मेन के अंदर जो हाइट रहेगी उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारी प्रॉपर जो वीट रहती है, हाइट रहती है, उसके माइनस में 70 पिक्सल, ओके 70 पिक्सल। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको जो डिस्प्ले रहेगा इनलाइन की जगह हम लोग उसको फ्लेक्स यूज करेंगे, फ्लेक्स। देन बैकग्राउंड कलर, जो बैकग्राउंड कलर रहेगा मेरा कौन सा रहेगा, एश जो रहेगा मेरा, 89, ओके, लिटिल बिट व्हाइट देख सकते हो यहाँ पे, ओके। सो नेक्स्ट हम लोग क्या था, हमारा साइड बार था, जो मेरा साइड बार लिया मैंने, साइड बार उसके अंदर हम लोग हाइट डिपेंड करेंगे, हाइट कितना रहेगा, 100% रहेगा, जो कि पूरा कवर करेगा ये लेफ्ट साइड के अंदर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको उसकी विड्थ डिपेंड करेगा, विड्थ कितना रहेगा, 70%, ओके। देन हमारा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर कौन सा, हम लोग प्रॉपर एक व्हाइट ऐड करेंगे, ओके। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे ओवरफ्लो, जो हमारा वायर रहेगा उसको हिडन कर देंगे, ओवरफ्लो हिडन कर दिया, देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर ऐड हो चुके हैं, ओके। देन उसके बाद जो हम लोग रिस्पॉन्सिव की बात करते हैं, उसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिव के लिए भी ऐड कर लेते हैं, अभी नहीं मैं बाद में इसको ऐड करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरा जो लेफ्ट था, ये जो लेफ्ट स्टाइल था मेरा, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड के अंदर हमने एक कंटेनर यूज किया है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसका डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, ओके। देन अलाइनमेंट आइटम जो रहेगी सेंटर, देन उसके बाद वीट जो रहेगा 10%, ओके, जो मेरा लेफ्ट कंटेनर देख सकते हो यहाँ पे अपना आ चुका है लोगो, ओके। उसके बाद डॉट, जो लेफ्ट साइड है मेरी, उसके अंदर जो हमने ये मेनूज जो ऐड किए, मेनूज किधर गया, मेनूज आईडी, उसको हम लोग ऐड करेंगे, जैसे कि मतलब लेफ्ट करके हैश करके मेनू, ओके। देन उसके बाद उसका पैडिंग डिपेंड करेंगे, पैडिंग कितना रहेगा, 0 टॉप और बॉटम, लेफ्ट और राइट 7 पिक्सल रहेगा, अलोंग विथ हम लोग उसका कर्सर पॉइंटर रखेंगे, ओके वो भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारी सर्च के लिए स्टाइलिंग देंगे, ये जो हमारा सर्च बार दिख रहा है उसके लिए स्टाइलिंग देंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो मेरा क्लास था सर्च, जो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं उसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ, ओके। देन आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, उसको डॉट सर्च फॉर्म, जो फॉर्म था मेरा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स बॉर्डर दे देंगे हम लोग, कुछला 1 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड दे देंगे हम लोग डी, ओके। हाइट दे देंगे हम लोग उसको, हाइट प्रोवाइड करेंगे 40 पिक्सल। उसके बाद उसका बॉर्डर रेडियस रहेगा जो रहेगा 5 पिक्सल, देन 5 पिक्सल इतना करने से अच्छा हम लोग सिंपल 5 पिक्सल कर देते हैं टॉप राइट देने से, ओके देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। देन सर्च फॉर्म हो गया हमारा, जो हमारा फॉर्म टैग था। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो सर्च है, सर्च के अंदर जो इनपुट है हमारा, उसकी स्टाइलिंग हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि उसका वीट डिपेंड करेंगे हम लोग 600 पिक्सल,
पैडिंग प्रोवाइड करेंगे जो रहेगी 50 पिक्सल, अलोंग विथ उसको हम लोग बॉर्डर भी दे देते हैं, बॉर्डर 0 देंगे, देन उसके बाद उसका हाइट डिपेंड करेंगे 100%, और उसके बाद उसका बॉर्डर रेडियस जो रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे 5 पिक्सल, उसके बाद 0 0, और लेफ्ट के अंदर 5 पिक्सल। देख सकते हो प्रॉपर यहाँ पे अलाइन हो चुका है। ओके, उसके बाद उसका फोकस जो है, उसको फोकस के लिए भी हम लोग ऐड करना पड़ेगा जो इनपुट फोकस रहता हमारा। ओके, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपल आउटलाइन जो रहेगी नन कर देंगे, जो कि आउटलाइन आती है वहां पे, और उसका बॉर्डर जो रहेगा 1 पिक्सल सॉलिड हो गया हमारा। फोकस करने के बाद हमें दिखेगा ऐसा फोकस। ओके, देख सकते हो ऐसा। ओके, देन हमारा क्या था, सर्च बटन, जो हमारा सर्च बटन है ये वाला, उसको हम लोग स्टाइलिंग दे देंगे सिंपल डॉट सर्च, उसके बाद बटन, उस बटन के अंदर उसका हाइट दे देंगे 100%। ओके, देन उसका वीट दे देंगे हम लोग 60 पिक्सल, देन उसके बाद उसका बॉर्डर जो रहेगा नन, अलॉन्ग विथ बॉर्डर रेडियस दे देंगे हम लोग। बॉर्डर रेडियस हम लोग कितना डिफाइन करेंगे, टॉप से 0, राइट में 5 पिक्सल, बॉटम में 5 पिक्सल, 0, देख सकते हो राइट, और बॉटम ने हमने इतना ऐड कर दिया। अभी क्या माइक के लिए, माइक के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल डॉट, हमने माइक क्लास तो बनाया था, उसके अंदर हम लोग मार्जिन डिफाइन करेंगे, मार्जिन टॉप जो रहेगी वो हम लोग डिफाइन करेंगे उसको 10 पिक्सल। ओके, उसके बाद जो हमारा मटेरियल आइकॉन है, उसके लिए हम लोग स्टाइलिंग देते थोड़ा मटेरियल आइकॉन। ओके, मटेरियल आइकॉन, उसके लिए हम लोग कलर डिफाइन करेंगे, कलर जो रहेगा मेरा RGB है। ओके, उसको 100, देन ग्रीन की जगह भी हम लोग 100 डालेंगे, और ब्लू के अंदर भी 100 डालेंगे, थोड़ा ग्रे टाइप हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको उसका पैडिंग जो रहेगा टॉप बॉटम 0 रहेगा, और लेफ्ट राइट 7 पिक्सल रहेगा। उसके बाद कर्सर पॉइंटर थोड़ा गैप मिल जाएगा उसको। ओके, ये यहाँ पे ऐड हो गया, हमने उसको बाहर निकलना था इस वे। ओके, ये जो माइक था हमारा, जो बटन है हमारा डिस्प्ले कर्सर पर साइड बार माइक, जो आइकॉन था हमारा, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको फॉर्म के बाहर ऐड करेंगे। ओके, बाहर आ गया। ओके, सो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर हमने प्रॉपर इसका स्टाइलिंग ऐड कर दिया है मटेरियल का। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो लेफ्ट साइड का जो साइड बार है उसके लिए हम लोग स्टाइल ऐड करेंगे। जिसके स्टाइल ऐड करने के लिए सबसे पहले क्या करूंगा मैं अभी, उसका स्टाइलिंग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, HTML का कोड लिखते हैं साइड बार। साइड बार के अंदर हम लोग क्या सिंपल ऐड करेंगे हमारा नैव बार, एक नैव क्लास लूंगा मैं, नैव ड्यू। उसके बाद एंकर टैग रहेगा मेरा, एंकर टैग के लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, एक एंकर टैग डिपेंड करेंगे। उसके पहले मैं क्या करता हूँ, नैव लिंक करके क्लास और उसका एक्टिव, सॉरी डॉट एक्टिव। ओके, हमने दो क्लास डिपेंड कर लिए, एक एंकर, क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, ये जो था ड्यू नहीं था हमारा, एंकर टैग था। ओके, इस एंकर टैग के अंदर हम लोग क्या डिपेंड करेंगे, एक आइकॉन। ओके, कौन सा आइकॉन रहेगा, मटेरियल, मटेरियल आइकॉन रहेगा, मटेरियल आइकॉन रहेगा, और उसका नेम क्या रहेगा, हम लोग सिंपल दे देंगे उसको होम, और स्पैम के अंदर हम लोग उसका टेक्स्ट दे देंगे, क्या टेक्स्ट दे देंगे हम लोग उसको प्रॉपर एक होम। ओके, होम डालने के बाद हम सिंपल क्या करेंगे उसको, देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पर होम आ गया हमारा। ओके, नेक्स्ट एंकर टैग, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपल इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इंटर करते हैं। ओके, और होम की जगह हम लोग क्या ऐड करेंगे, हम लोग लोकल फाइल डिपार्टमेंट जो रहता है, लोकल फायर, ओके, डिपार्टमेंट करके आइकॉन है, उसको हम लोग ऐड करेंगे, ये देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, और इसका नेम दे देंगे हम लोग, क्या दे देंगे, अबाउट। ओके, अबाउट ऐड कर दे, जस्ट मिनट सेकंड गाइस। ओके, हमने ऐड टू उसको ऐड कर दिया। अभी नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, सिंपल
जो एक्टिव था हम लोग एक्टिव हटा देंगे क्योंकि हमें एक्टिव नहीं चाहिए। और एक क्लास है हमारा, और एक एंकर टैग रहेगा जो कि हम लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर हम लोग डिफाइन करेंगे, और उसका क्लास नेम रहेगा सब्सक्रिप्शन। ओके सब्सक्रिप्शन, और अबाउट की जगह हम लोग उसको ऐड कर देंगे सर्विसेज। ओके हमारे तीन चीजें तो ऐड हो चुकी है यहाँ पे आइकॉन के साथ। ओके देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एचआर टैग ऐड करते हैं। एचआर टैग ये आ गया हमारा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग पहले स्टाइलिंग दे देते हैं हम हमारी। ओके स्टाइलिंग के लिए सिंपल क्या करना पड़ेगा, मेरे को उसको फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा जो कि हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करते हैं। उसके लिए डॉट जो नैव बार है मेरा, नैव टैग था, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, विड्थ डिपेंड करेंगे, विड्थ कितना रहेगा 100% अलोंग विद उसका डिस्प्ले जो रहेगा, हम लोग उसको उसको हम लोग फ्लेक्स यूज करेंगे। उसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन जो रहेगा हमारा वो रहेगा कॉलम के साथ, क्योंकि हमें ऊपर से लेके नीचे नीचे वन बाय वन हमें प्रिंट करवाना है। ओके और उसके लिए बॉटम मार्जिन रहेगा 50 पिक्सल, और उसी के साथ हम लोग मार्जिन टॉप भी दे देंगे इसको। मार्जिन टॉप कितना देंगे, 50 पिक्सल, देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। ओके अरे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो क्लास था नैव लिंक करके उसकी स्टाइलिंग देते हैं हम लोग, उसको डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, इनलाइन हो रहा है सॉरी, इसको फ्लेक्स करेंगे। उसके बाद अलाइनमेंट आइटम सेंटर, उसकी टैरिंग डिपेंड करेंगे टॉप बॉटम। ओके 25 लेफ्ट राइट 13, देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। ओके और उसके बाद जो हमारा नैव लिंक था, नैव लिंक है उसके अंदर जो हमारा स्पैम टैग है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल उसको मार्जिन जो रहेगी मार्जिन लेफ्ट उसको 50 पिक्सल कर देंगे ताकि थोड़ा डेप्थ से हट जाए वो। ओके उसके बाद नाव पे अगर मैं होवर करता हूँ, कोई भी मेरा नाव पे नाव लिंक पे होवर करता हूँ मैं होवर। ओके उसके बाद क्या होना चाहिए, होवर करने के बाद उसके बाद मेरा बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर मेरा होना है हैश, कौन सा रहेगा, E5। ओके थोड़ा ग्रे, ये देख सकते हो होवर पे, गाइस गॉट इट। उसके बाद जो मेरा कर्सर है पॉइंटर। ओके ओके उसके बाद जो मेरा एक्टिव क्लास था, एक्टिव क्लास जो हमने फर्स्ट होम के लिए, उसका बैकग्राउंड कलर जो रहेगा वो ऑलरेडी डिफाइन रहेगा एस ई डिफाइन। ओके ये देख सकते हो सिलेक्ट है ऑलरेडी। ओके उसके बाद जो मेरा एचआर था, एचआर इसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग हाइट डिपेंड करेंगे, हाइट कितना रहेगा 1 पिक्सल, उसी के साथ उसका बैकग्राउंड कलर सॉरी गाइस। ओके उसके बाद हम लोग उसको कलर दे देंगे ओके, और बॉर्डर जो रहेगी नन देख सकते हो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। ओके उसके बाद सेम हमारे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे, प्रोजेक्ट भी, ब्लॉग्स भी और वेब डेवलपमेंट सब कुछ चीज़ें ऐड करनी, तो उसके लिए क्या करूँगा मैं सिंपल इनपुट में जाऊंगा और यहाँ पे हमें और सारी चीज़ें ऐड करने, जैसे कि हमने सेम एज इट इज़ हमें ऐड करना था जो एचआर के बाद हम लोग यूज कर रहे थे। ओके यहाँ पे बीआर डाल देते हैं। ओके इस बीआर के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जो हमारा नैव लिंक है उसके लिए हम लोग पहले इसको हटाते हैं, इस सेम एज इट इज़ मैं ड्यू कॉपी करूँगा। ओके ड्यू को कॉपी करूँगा मैं नैव के साथ, उसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा और उसके अंदर से मैं एक चीज हटा दूंगा, वो रहेगी एंकर टैग मेरा, एक एंकर टैग। ओके उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट यहाँ पे दे देंगे हम लोग लाइब्रेरी, लाइब्रेरी एड चेक करके क्लास है, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे हम लोग स्टोरी। ओके और उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पे हमारा रहेगा ब्लॉक्स। ओके आप देख सकते हो प्रोजेक्ट्स एंड ब्लॉक्स दो चीज़ें ऐड हो गई हमारी, और इधर एक्टिव था, एक्टिव को हम लोग हटा देंगे अभी क्योंकि हमें एक्टिव बस टॉप के लिए चाहिए। ओके देन उसके बाद क्या था हमारा, आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्किल है और फिर वेब डेवलपमेंट है। ओके तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक एचआर ले लेता हूँ क्योंकि हमें भी एचआर चाहिए। ओके उसके बाद आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दो एचआर है। उसके बाद क्या था हमारा, स्किल था, स्किल के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक बीआर टैग यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग एक स्पैम डिपेंड करते हैं, स्पैम इस स्पैम के अंदर हम लोग स्किल्स। ओके और इसको क्लास देते थे हम लोग
स्किल्स ओके एक क्लास दे दिया, उसके बाद क्या करना है मुझे नेवलिंग डिपेंड करनी है, फिर से ड्यू सेम ड्यू कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा उसको ओके। स्किल स्किल्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल आइकन के लिए सबसे पहले जो रहेगा मेरा, और बहुत सारे हम लोग ऐड कर सकते हैं ओके। आप साइट पे जाके आप लोग आइकॉन देख सकते हो, आपके हिसाब से आपको कौन सा आइकॉन ऐड करना है। सॉरी वॉच लेटर ओके। उसके बाद और एक रहेगा हमारा जो कि हम लोग यहाँ पे स्किल ऐड करने वाले, तो उसके लिए हम लोग एक और डिपेंड करेंगे जो रहेगा मेरा थम ओके। तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं यहाँ पे सिंपल एक फिलहाल के लिए डाल देता हूँ फुल स्टैक। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐप डेवलपर ओके वेब डेवलपर, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने आइकॉन्स ऐड कर दिए फुल स्टैक। यहाँ पे आ गया हमारा जैसे एक सेकंड थम, ये जो बॉटम में हमने नीचे ओके स्किल वाला देख सकते हो आप लेफ्ट साइड पे अरेंज हो गया। उसके लिए क्या करूंगा मैं सिंपल यहाँ पे जाऊंगा स्टाइल के अंदर, स्टाइल के अंदर जाने के बाद मैंने जो क्लास डिपेंड किया था स्किल का डॉट स्किल्स ओके, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे सिंपल स्किल के अंदर हम लोग उसका कलर डिपेंड करेंगे। कलर जो रहेगा हैश 17 ओके, उसका आप कलर देख सकते हो ग्रे हो गया थोड़ा। उसके बाद क्लास नेम बराबर है ना स्किल्स ओके। उसके बाद हम लोग क्या डिपेंड करेंगे उसकी मार्जिन लेफ्ट, जो मार्जिन लेफ्ट था वो कितना था 15 पिक्सल हम सबके लिए दे रहे थे। उसके बाद उसका पैडिंग हम लोग डिपेंड करेंगे वो कितना रहेगा, टॉप से 20 पिक्सल और राइट लेफ्ट से 25 पिक्सल ओके। देन उसके बाद उसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो रहेगा अपर केस, उसके बाद हम लोग उसको फॉन्ट वेट दे देंगे, फॉन्ट वेट दे देंगे 6 है। उसके बाद उसका लेटर स्पेसिंग हम लोग ऐड कर देते 1 पिक्सल, देख सकते हो स्किल ऐड हो चुकी है हमारी अभी यहाँ पर प्रॉपर ओके, देख सकते हो प्रॉपर। ये तो हमारा हो गया, अब क्या है हमारा ये वाला कंटेंट, हमें ये कंटेंट ऐड करना है यहाँ पे। अभी कंटेंट के लिए सबसे पहले क्या करूँगा मैं, कंटेंट के लिए स्टाइलिंग ऐड करना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हमारा जो HTML का कोड है हम लोग डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले ओके HTML के कोड के लिए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे जाऊँगा HTML के अंदर ओके, कंटेंट कंटेंट के अंदर हम लोग क्या करेंगे सिंपल यहाँ पे ऐड करेंगे एक ड्यू जो रहेगा मेरा वीडियो नाम से ओके। ये रहेगा मेरा मेन ड्यू, उसके बाद सॉरी यहाँ पे वीडियोज नहीं, वीडियोज करेंगे हम लोग क्योंकि बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं। इसके बाद ये रहेगा मेरा वीडियो क्लास, इस वीडियो क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे थंबनेल जो रहेगा हमारा थंबनेल करके क्लास डिपेंड करेंगे। इस क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे हमारी एक इमेज रहेगी ओके, और उसके बाद थंबनेल, थंबनेल तो हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे एक ड्यू डिपेंड करेंगे जो कि रहेगा डिटेल्स करके, क्योंकि थंबनेल्स की जो हमारी डिटेल्स रहेगी उसके लिए। और उसके बाद एक क्लास रहेगा जो रहेगा ऑथर का नाम रिप्रेजेंट करेगा ओके। उसके अंदर हम लोग ऑथर के अंदर एक आइकॉन ऐड करेंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन उसका टाइटल रहेगा ओके, सॉरी क्लास नेम देना था हमें डॉट टाइटल ओके, क्लास टाइटल रहेगा हमारा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे उसको टाइटल के अंदर H3 करके हमारा एक टैग रहेगा, उसके अंदर हमारा टाइटल रहेगा। देन उसके बाद हम लोग एक एंकर टैग लेंगे जिसके अंदर हमारा पूरा डिस्क्रिप्शन रहेगा। उसके बाद हम लोग एक स्पैम ऐड करेंगे जिसके अंदर हमारा स्मॉल सा टेक्स्ट रहेगा यहाँ पे शो होने के लिए ओके। सो मैं सबसे पहले फर्स्ट वाली इमेज कर लेता हूँ फटाफट। यहाँ पे मैं इमेज के अंदर जाऊँगा, इमेज के अंदर कौन सा सेल्फ वाला जो हमारा आइकॉन है सबसे पहले वो लूँगा ओके। सेकंड थिंग, सेकंड इमेज क्या रहेगा मेरा प्रोफाइल पिक्चर रहेगा जो कि हम लोग दिखाने वाले इमेज जो रहेगा मेरा प्रोफाइल पिक्चर जो यहाँ पे हम लोग दिखा रहे थे ये वाला यहाँ पे ऐसे और ये वाला लोगो आप देख सकते हो प्रॉपर यहाँ पे ऐड हो चुका है। देन उसके बाद क्या करना है हमें H3, H3 हमारा क्या था टाइटल, टाइटल देते हैं हम लोग क्या करते हैं वेलकम टू माय वर्ल्ड करके, और उसके बाद हम लोग लिख देंगे नवंबर बाय माय चैनल इंट्रो ओके। सिंपल आप कुछ भी लिख सकते हैं आपके हिसाब से, और मैं लोरंग का टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ सिंपल क्योंकि मुझे डिस्क्रिप्शन जल्दी, वीडियो जो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखूंगा तो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 2 मिलियन व्यूज कर देता हूँ ओके, सॉरी 2 मिलियन व्यूज कर देता हूँ ओके।
देन उसके बाद हम लोग डॉट दे देंगे, उसके बाद 3 months ago, ओके यहाँ पे देख सकते हो ये वाला मेरा डॉट था, उसको मैं कॉपी करूँगा, ओके यहाँ पे मेरे सब चीजें ऐड कर दिए, बट आपको दिखेगी नहीं प्रॉपर, मैं बॉटम में स्क्रॉल करूंगा सब चीजें दिखेंगी, ओके क्योंकि हमने इसके लिए स्टाइलिंग ऐड नहीं की। तो सबसे पहले चलता हूँ मैं मेरे स्टाइलिंग के अंदर, और स्टाइलिंग हम लोग सबसे पहले ऐड करते, स्टाइलिंग के लिए सबसे पहले क्या करूंगा मैं, मेरा जो कंटेंट है कंटेंट उसके लिए क्या करूंगा, बैकग्राउंड जो बैकग्राउंड कलर था मेरा हैश F9, ओके थोड़ा लाइट टाइप जैसा। उसके बाद वीड हम लोग उसको 100% दे देंगे, उसके बाद उसका हाइट वो भी 100% रहेगा, देन उसके बाद उसका पैडिंग दे देते हैं हम लोग, पैडिंग कितना लेफ्ट राइट से हम लोग कितना डिपेंड करेंगे उसको, उसको टॉप बॉटम 50 पिक्सल और लेफ्ट राइट जो रहेगा वो भी 50 पिक्सल हम लोग डिपेंड करेंगे, ओके पैडिंग भी हमने डिपेंड कर दिया। उसके बाद उसका बॉर्डर टॉप कितना देते हैं हम लोग, 1 पिक्सल सॉलिड एज डिड, ओके ताकि वो हमें अच्छे से दिख सके। यहाँ पे जो हम लोग ऊपर देखेंगे ना, यहाँ पे ये देखिए बॉर्डर टॉप दिख रहा है आपको, और ऐड हो जाएगी। उसके बाद ओवरफ्लो जो रहेगा वाय उसको हम लोग स्क्रॉल रखेंगे ताकि हमारा स्क्रोलेबल रहे ये वाली चीज, ओके। उसके बाद हम लोग जो हमारा वीडियोस था वीडियोस उसके अंदर हम लोग क्या क्या ऐड करेंगे, हम लोग उसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दे सबसे पहले तो, ओके। उसके बाद उसका फ्लेक्स डायरेक्शन जो रहेगा रो के अंदर रहेगा, क्योंकि हमें 1x1 लेफ्ट टू राइट प्रिंट करवाना है। उसका जस्टिफाई कंटेंट जो रहेगा स्पेस अराउंड रहेगा, और उसके बाद फ्लेक्स जो रहेगा रैप करते हैं हम लोग उसको ताकि वो बाहर कहीं पे जाए ना, रैप, ओके रैप भी कर दिया हमने। यहाँ पे देख सकते हो इधर चला जाएगा वो, प्रॉपर स्क्रोल नीचे नहीं होगा, यहाँ पे 1x1 हमें दिखेगा वो चीज, ओके। देन वीडियो तो हमने ऐड कर दी, बट उसके बाद क्या करना है हमें, वीडियो जो था हमारा क्लास वीडियो, इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हम लोग सिंपल ऐड करेंगे उसका वीड, जो वीड हम लोग डिपेंड करेंगे 270 पिक्सल, ओके। उसके बाद मार्जिन बॉटम रहेगा, मार्जिन बॉटम हम लोग डिपेंड करेंगे 30 पिक्सल, यहाँ पे जो वीडियोज रहेगी उसकी हाइट ये देख सकते हो वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, ओके 270 पिक्सल। उसके बाद जो हमारा थंबनेल रहेगा, जो हमने क्लास लिया था थंबनेल, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसका वीट डिपेंड करेंगे जो कि हमारा वीट रहेगा 100%, ओके। उसके बाद उसका हाइट कितना रहेगा 170 पिक्सल, देख सकते हो अब थंबनेल हमारा प्रॉपर ऐड हो जाएगा यहाँ के लिए, ओके। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका जो इमेज रहेगी मेरा थंबनेल की .thumbnail.img उसकी इमेज, इमेज का ऑब्जेक्ट फिट करूंगा मैं कवर, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका हाइट डिपेंड करेंगे, हाइट कितना रहेगा 94%, ओके, और विड्थ जो रहेगा 100%, देन उसके बाद उसका बॉर्डर रेडियस जो रहेगा 10 पिक्सल। बस इतनी सी चीज हमें इमेज के लिए ऐड करनी थी, ओके। जो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये रही इमेज हमारी प्रॉपर सेट हो चुकी है, ओके। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा और स्टाइलिंग ऐड करते जो कि रहेगी मेरे इमेज थंबनेल के लिए, ओके। ट्रांजेक्शन जो हम लोग इसे होवर करने के बाद वो हम लोग बाद में ऐड कर लेंगे, सबसे पहले तो हम लोग जो ऑथर की इमेज है उसके लिए करते हैं, ओके। जो मेरा ऑथर है उसकी इमेज जो है एम जी, इसके बाद उसकी इमेज के क्या करना है हमें, सिंपल सा ऑब्जेक्ट जो था हमने इसके लिए लिया था सेम एज इट इज वैसे यूज करना है, ओके। हाइट जो रहेगी मेरी 40 पिक्सल, ओके, और विड्थ जो रहेगी मेरी 40 पिक्सल, और उसके बाद कवर के बाद हम लोग कह रहे हैं बॉर्डर रेडियस जो रहेगा मेरा 50%, ओके। अरे इधर तो ऐड किया तुमने, ओके हो गया। उसके बाद मार्जिन बॉटम जो रहेगा मेरा 10 पिक्सल, बस इतनी सी चीज हमें 5 चीज ऐड करनी थी जिससे लोगो हमारा जो इमेज का लोगो है हमें प्रॉपरली दिख सके यहाँ पे, ओके। जो ऑथर है सेकंड क्लास बराबर ऐड करो उसका ऑथर, उसके बाद इमेज ऑब्जेक्ट फीट जो था हमने कवर ऐड कर लिया, उसके बाद बॉर्डर रेडियस भी ऐड कर दिया 40 पिक्सल, यहाँ पे विड्थ जो है 40 पिक्सल चाहिए था,
ओके जस्ट गिव मी वन मिनट प्लीज जस्ट गिव मी इमेज ऑथर के लिए दे दिया। हम लोग क्या करेंगे अभी, मेरा जो डिटेल्स है, डिटेल्स क्लास जो था डिटेल्स, उसके अंदर हम लोग सिंपल क्या करेंगे, हम लोग उसका डिस्प्ले फ्लेक्स ऐड करेंगे, फ्लेक्स ओके। उसके बाद जो हमारा टाइटल था, टाइटल क्लास, टाइटल क्लास जो था हमारा, उसका डिस्प्ले फ्लेक्स, जिसके अंदर हमने दो चीज ऐड की, हमारा S3 और फ्लेक्स डायरेक्शन जो रहेगा हमारा कॉलम। उसके बाद जो हमारा H3 था टाइटल के अंदर H3, उसको हम लोग कलर डिफाइन करते हैं कलर, और जो रहेगा मेरा RGB में कलर रहेगा वो रहेगा हमारा 3, ग्रीन पे में हम लोग 3 ऐड करेंगे, ब्लू पे हम 3 ऐड करेंगे ओके। उसके बाद उसका लाइन हाइट, लाइन स्टैंड लाइन हाइट था हमें, लाइन हाइट से लाइन हाइट कितना रहेगा 80 पिक्सल। उसके बाद उसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज हम लोग उसको देते थे 40 पिक्सल ओके। उसके बाद उसका मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम हम लोग उसको दे देंगे 6 पिक्सल टाइटल के पास, हम देख सकते हो प्रॉपर हो गया ऐड यहाँ पे ओके। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग जो हमारा टाइटल था उसके अंदर जो एंकर था, कॉमा जो स्पैम था, उसके लोगो के लिए हम लोग स्टैंडिंग ऐड करेंगे, जो कि रहेगा हमारा टेक्स्ट डायरेक्शन डेकोरेशन सॉरी ओरेगन नन, जो हमें अंडरलाइन आ रही थी। कलर ऐड करते हैं, कलर्स जो RGB में रहेगा ओके वो रहेगा 96, यहाँ पे भी 96 ओके। उसके बाद उसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज हम लोग 12 पिक्सल दे देते हैं उसको, देख सकते हो प्रॉपर ऐड हो चुके हैं, लोगो भी आ चुका है यहाँ पे ओके। उसके बाद जो HR है मेरा, .HR करके क्लास है, उसके अंदर हम लोग सिंपल क्या करेंगे वो हम बाद में ऐड करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये चीज तो आप एग्जिस्ट कर लो, यहाँ तक तो आप पहुँच गए हो ओके। जो हमारी पैडिंग थी, जो लाइन हाइट मॉर्गन बॉटम था, उसके बाद मार्जिन राइट और लेफ्ट, देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे थोड़ा स्पेस है दोनों के बीच में ओके। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो डिटेल्स था डिस्प्ले फ्लेक्स तो गए, टाइटल, टाइटल के अंदर क्या करते हैं हम लोग, जो हमारे पैडिंग है, पैडिंग लेफ्ट हम उसको 5 पिक्सल कर देते हैं, नहीं मार्जिन करना पड़ेगा सॉरी, मार्जिन मार्जिन लेफ्ट ओके उसको 10 देते हैं हम लोग, अभी देख रहे हैं प्रॉपर वो सेट हो चुके हैं, अभी थोड़ा स्पेस आ चुके हैं उसके अंदर ओके। ये तो हो गया हमारा, तब क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा जो इमेज था उसको हम लोग 4 टाइम्स ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने वीडियोस तो लिया ओके, ये वीडियोस हमें 4 टाइम्स चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ एक फर्स्ट ओके, थोड़ा स्पेस देता हूँ, स्पेस देता हूँ, स्पेस देता हूँ, 4 हमने थंबनेल ऐड कर दें। अब अभी लोड करके देखते हैं हम लोग, 4 हमारे थंबनेल्स आ चुके हैं यहाँ पे ओके प्रॉपर। उसके बाद क्या था हमारा, जो एक टैग था हमारा HR, जो HR टैग था उसके लिए हम लोग ऐड करेंगे, जो हम लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हमने डिफाइन किए उसके लिए हमें टैग चाहिए ओके। तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, जो मेरा वीडियोज है ओके, मेन वीडियो जहाँ पे क्लोज होता है, उसके बाद हमने क्या करना है, एक HR यूज करना है ओके। और इसको हम लोग क्लास डिपेंड करेंगे एक HR ओके। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, एक H5 टैग यूज करेंगे, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट नाम का टैग सेट करेंगे और इसको क्लास दे देंगे प्रोजेक्ट ओके। प्रोजेक्ट हमने ऐड कर लिया और देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे हमने अभी तो दिख नहीं रहा, सेव करने के बाद भी अच्छा वो दिखेगा नहीं, क्योंकि हमने उसकी स्टाइलिंग एडिंग की ये देखे ओके। तो मैं स्टाइलिंग पे जाता हूँ, स्टाइलिंग के अंदर हम लोग उसको ऐड कर लेते हैं, सबसे पहले तो जो हमारा प्रोजेक्ट रहेगा HR के लिए
ओके, जो हमारा एचआर क्लास था, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट हो रहेगा हमारा बोल्ड, ओके। उसके बाद हाइट दे देते हैं हम लोग उसको 2 पिक्सल। उसके बाद हमारा मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम रहेगा 10 पिक्सल, ओके। और उसके बाद जो हमारा प्रोजेक्ट क्लास था, प्रोजेक्ट क्लास, उसके अंदर हम लोग कलर डिफाइन करते हैं, कलर जो रहेगा #71। उसके बाद उसका मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम रहेगा 50 पिक्सल। उसके बाद हम लोग उसको डिफाइन करेंगे पैडिंग, जो रहेगी पैडिंग, कॉमा देने के बाद यहाँ पे पैडिंग, पैडिंग कौन सा लेफ्ट ऐड करेंगे हम लोग उसको, उसको दे देंगे 32 पिक्सल। ओके, सेंटर में अलाइन हो जाएगा वो, लोड हो रहा, ये देख सकते हो प्रोजेक्ट हमारा ऐड हो चुका है, उसके फॉन्ट स्टाइल देने की कोई जरूरत, सॉरी स्क्रीनशॉट आ गया वो। ओके, सो हम लोग बॉटम में भी अभी ऐड कर लेते हैं, इसको लेते हैं हम लोग यहाँ से, हमारा जो वीडियोस क्लास था उसको कॉपी करता हूँ मैं यहाँ पे, वीडियोस क्लास जो हमारा ऐड होता है, और बॉटम ज़्यादा ही मैंने कॉपी कर लिया, इसको वीडियो क्लास को कॉपी करता हूँ मैं। सिंपल यहाँ आने के बाद हम लोग इस प्रोजेक्ट के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और आप देख सकते हो एक नई स्क्रीन आ जाएगी। ओके, सिंपल एज इट इज़। और उसके बाद और एक बार मैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि वो प्रॉपर आपको दिख सके। ओके, इमेजेस ऐड हो गए, तो फटाफट में क्या करता हूँ अभी इमेजेस ऐड कर लेता हूँ, जो जो उसको रिक्वायर्स इमेजेस थी वो हम लोग ऐड कर लेते हैं उसको फटाफट। आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर मैंने यहाँ पे इमेजेस सेट करके रखे, मैं आपको इमेजेस दे दूंगा ये प्रॉपर। ओके, सब इमेजेस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, प्रोजेक्ट तो था मेरा लाइब्रेरी, होम स्क्रीन के ऊपर हम लोग जाएंगे यहाँ पे, और इसके बाद हमारा था जो सेल्फ वाला तो हो गया, सेल्फ के बाद हमारा था जर्नी, यहाँ पे था हमारा जर्नी, और उसके बाद था हमारा एक जो था टू करके इमेज का नेम, टू देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर टू इमेजेस हमारे आ चुके। ओके, ये भी आ चुके हमारे, और उसके बाद था एक प्रोजेक्ट फाइव करके यहाँ पे, प्रोजेक्ट फाइव करके इमेज थी वो आप देख सकते हो टॉप पीसी गेम। उसके बाद यहाँ पे इमेज थी मेरी एक प्रोजेक्ट वन, और उसके बाद एक प्रोजेक्ट टू, और एक है प्रोजेक्ट थ्री, और उसके बाद एक प्रोजेक्ट थ्री के बाद, और प्रोजेक्ट था मेरा फोर। ओके, चारों प्रोजेक्ट के हम लोग इमेजेस ऐड करते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। ओके, ये चीजें तो हमने ऐड कर ली। सो गाइस, अगर ये आपको दिख रहा है मेरा प्रॉपर एक वीडियो, हमने एक पोर्टफोलियो बनाया जहाँ पे हम लोग हमारा टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, आपके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, जहाँ पे आपको अपनी जर्नी ऐड करनी, आपके सर्विसेज ऐड करनी, वो आप आपके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। और अगर आपका मुझे फीडबैक अच्छा आता है कि आप मतलब मुझे सपोर्ट करोगे, तो गाइस मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊंगा, जैसे कि हम लोग इस पर क्लिक करने के बाद जो हमारे डिटेल्स ओपन होगी, बहुत मतलब एक औसम तरीके से ओपन होगी। और मैं इसके इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप अगर कोई भी वेबसाइट के हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट के लिए या कोई कंपनीज के लिए अप्लाई करते, तो आप अपना ये सर्वर पे होस्ट करके आप लोग जो इसका URL है आप सामने वाले को एज ए रिज्यूम, एज ए पोर्टफोलियो आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो मैं इसको पूरी वीडियो बनाऊंगा, मैं प्रॉपर इसको हर तरीके से एक एक हर एक 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 चीज उसकी सॉल्व करके आपको पूरा कंप्लीट मैं सोर्स कोड भी प्रोवाइड करूंगा, और आपको पढ़ाऊंगा भी कैसे करना है इसको। और अगर चाहते हो आप तो हम इस साइट को हम लोग होस्ट भी करेंगे, ताकि आपको प्रॉपर एक वेबसाइट आपको एक फ्रंट एंड के लिए आपको मिल जाए इसकी। ओके, सो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज डू सपोर्ट टू माय चैनल्स, मैं ऐसे इस वीडियो लाते रहूंगा, और एनिमेशन पे भी काम चल रहा है अभी, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले। सो गाइस डू सपोर्ट, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।